हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। और आज हम बात करेंगे इन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का क्या मीनिंग होता है, डिफरेंट साइकोटिक कंडीशंस में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और वो ड्रग्स जो इन साइकोटिक कंडीशंस के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। साथ ही साथ ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे फिनोथायाजीन ड्रग्स के बारे में। तो आइए पहले बात करते हैं इन एंटी साइकोटिक ड्रग्स का क्या मीनिंग है। तो ये इस तरह की ड्रग्स हैं जो कि मेंटल डिक्लाइन और मेंटल एबरेशंस वाली कंडीशंस के इम्प्रूवमेंट में काम में ली जाती हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं ये डिफरेंट साइकोटिक कंडीशंस के मैनेजमेंट में इनको यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि आप कह सकते हैं शाइजोफ्रेनिया में, और इनको मेजर ट्रैंक्विलाइजर या न्यूरोलेप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जो डिफरेंट साइकोटिक कंडीशंस हैं इनमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो नॉर्मल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट होते हैं। पेशेंट को अपनी रियलिटी, अपने आसपास की कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फील होती है, वो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन वाली सिचुएशन में रहेगा। और जो इस तरह के सिम्टम्स की जो अपन बात कर रहे हैं ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। इसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे अपैथी, सोशल विड्रॉल, एनीडोनिया और कॉग्निटिव डिफिसिट। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। फिनोथायाजीन्स, रिंग एनालॉग्स ऑफ फिनोथायाजीन्स, फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन्स, बीटा एमिनोकीटोन्स और लास्ट क्लास है बेंजामाइड्स। और अब हम बात करने जा रहे हैं फिनोथायाजीन्स के बारे में। जो भी ये फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स हैं बहुत ज़्यादा यूजफुल पोटेंट ड्रग्स हैं। काफ़ी सारे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जा चुका है, फार्माकोलॉजिकली इवेल्युएट किया गया है, और इनकी जो जनरल स्ट्रक्चर है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट है जिसकी नंबरिंग या मेंशन की हुई है, ये फर्स्ट पोजीशन है। और यहाँ से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम इसके नंबरिंग को मेंशन कर सकते हैं। इस सिक्वेंस में जो सल्फर एटम है वो 5th पोजीशन ऑब्टेन करता है और नाइट्रोजन के ऊपर आती है 10th पोजीशन। इस स्ट्रक्चर में 2nd और 10th पोजीशन पे R2 और R10 मेंशन किया हुआ है। एक्चुअल में ये दोनों जो पोजीशंस हैं ये पॉइंट ऑफ वेरिएशंस हैं। इट मींस इन दोनों पोजीशंस पर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएं तो हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ ड्रग्स देखने को मिलती है। जो फिनोथायाजीन अपनी क्लास है इसको आगे फर्दर 3 सब क्लासेज में डिवाइड किया जा सकता है। ये उनके स्ट्रक्चर के बेस पर ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। फर्स्ट सब क्लास होगी इस तरह की ड्रग्स जिनमें प्रोपाइल डाई एल्काइल एमिनो साइड चेन प्रेजेंट हो। ये साइड चेन प्रेजेंट होगी इस R10 वाली पोजीशन पर, या फिर आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर ये साइड चेन अटैच्ड होगी। सेकंड सब क्लास है इस तरह की ड्रग्स जिनमें एल्काइल पाइपेरिडाइल साइड चेन प्रेजेंट हो, और थर्ड सब क्लास होगी जिसमें प्रोपाइल पाइपेराजीन साइड चेन प्रेजेंट हो। तो आइए देखें डिफरेंट ड्रग्स की जो स्ट्रक्चर है उनको इस टेबुलर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, और प्रेजेंटली स्क्रीन पर आपको 2 सब क्लासेस से रिलेटेड ड्रग्स की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पर जो फर्स्ट सब क्लास है उसमें 3 ड्रग्स हैं, प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, और थर्ड ड्रग है ट्राईफ्लूप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से देखें तो जो R10 पोजीशन है यहाँ पर जो भी ये साइड चेन प्रेजेंट है उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, और यहाँ पे अटैचमेंट को अपन किस तरह से मेंशन कर सकते हैं, CH2 CH2 CH2, मतलब 3 कार्बन का स्पेसर प्रेजेंट है, उसके ऊपर NH2 मतलब एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन उसके दोनों हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दिए गए हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डाई मिथाइल एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, और साथ ही साथ .HCl मेंशन किया हुआ है। इट मीन्स इनका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट काम में लिया जाता है। इट मीन्स अभी जो तीनों ड्रग्स हैं इनकी R2 पोजीशन पर अपने को एक्चुअल में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और अगर आप देखें प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड में तो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन्स कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड में क्लोरीन आ गया, और ट्राईफ्लूप्रोमाजीन तो नाम से पता लग रहा है CF3 प्रेजेंट है।
सेकेंड सब क्लास है, इस तरह की ड्रग्स जिनमें एल्काइल पाइपेरिडाइल साइड चेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखें R10 पोजीशन पर पाइपेरिडीन रिंग प्रेजेंट है, CH2 स्पेसर की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ गया है। अगर हम यहाँ से और इस नाइट्रोजन तक मूव करते हैं तो अप्रॉक्स 3 डाइमेंशनली जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो CH2 के ही इक्विवेलेंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एक डिस्टेंस प्रेजेंट है वो इस रेंज में मेंटेन रहनी चाहिए। और सेकेंड सब क्लास में जो फर्स्ट ड्रग है दैट इज थियोरिडेजिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये .HCl मेंशन किया हुआ है, और मिजोरिडेजिन बेसाइलेट में .C6H5SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और सल्फोनिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है आप कह सकते हैं कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाकर SO3H ग्रुप अटैच कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं तीसरी सब क्लास दैट इज ड्रग्स हैविंग प्रोपाइल पाइपेरेजीन साइड चेन। तो जैसा कि नाम से ही अपने को पता लग रहा है यहाँ पर पाइपेरेजीन रिंग प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रोपाइल वर्ड मेंशन है, इट मीन CH2। अगेन 3 कार्बन का स्पेसर प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन एटम जो कि ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम में प्रेजेंट था और वो नाइट्रोजन जो पाइपेरेजीन रिंग में प्रेजेंट है। तो पहली ड्रग हो जाएगी प्रोक्लोरपेरेजीन मेलिएट, और जैसा कि आप देख रहे हैं R2 पोजीशन पर क्लोरीन प्रेजेंट है। सेकेंड ड्रग होगी ट्राईफ्लूपेरेजीन हाइड्रोक्लोराइड, तो ट्राईफ्लू कह दिया इट मीन CF3 प्रेजेंट होगा। थर्ड ड्रग हो जाएगी परफिनाजीन, तो यहाँ पर ये क्लोरीन प्रेजेंट है। फर्स्ट दोनों जो ड्रग्स थी उसमें इन दोनों नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, और थर्ड और फोर्थ ड्रग में इस नाइट्रोजन पर CH2CH2OH वाली मॉइटी प्रेजेंट है। फोर्थ ड्रग हो गई है फ्लूफिनाजीन हाइड्रोक्लोराइड, अगेन यहाँ पर CF3 मॉइटी प्रेजेंट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्राईफ्लूपेरेजीन और फ्लूफिनाजीन इन दोनों में R2 पोजीशन पर CF3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो आइए बात करते हैं SAR ऑफ फिनोथायाजीन्स के बारे में। यहाँ पर जो मेन दो चेंज अपन कर सकते हैं, जैसा कि अपन ने पहले बात की है R2 और R10 पोजीशन ही पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। जो सब्स्टिट्यूशन एट सेकंड पोजीशन दिया हुआ है वो बेस्ट पोजीशन है सब्स्टिट्यूशन के लिए, और इन जनरल अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी प्रेजेंट होगी सब्स्टिट्यूएंट की, वो एबिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी ड्रग की पोटेंसी भी इंक्रीज होगी। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल देके बात कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड और ट्राईफ्लूप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों ज़्यादा पोटेंट हैं इन कंपैरिजन टू दी प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। क्यों? क्योंकि प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड में R2 पोजीशन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्लोरप्रोमाजीन में क्लोरीन आ रहा है और ट्राईफ्लूप्रोमाजीन में CF3 मॉइटी आ रही है, जैसा कि हमने अभी जस्ट बात की है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर जो कि पोटेंट ड्रग्स में देखने को मिलता है वो है प्रेजेंस ऑफ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? उस एटम पर या सब्स्टिट्यूएंट पर जो कि सेकेंड पोजिशन पर प्रेजेंट हो। अगर आप कहें कि सेकेंड पोजिशन के अलावा कहीं थर्ड पोजीशन पर या फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिया जाए, कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया जाए, तो क्या कोई हमें ड्रग देखने को मिलेगी? कि नहीं, उस कंडीशन में जो भी ड्रग की एक्टिविटी में चेंज आएगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग्स के कंपैरेटिवली डिक्रीज ही देखने को मिलेगा। इट मीन्स फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं तो उस कंडीशन में ड्रग की एक्टिविटी डिक्रीज ही होगी, इसीलिए ये फेवरेबल पोजीशंस नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन एट 10th पोजीशन की। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करते टाइम बात की थी, वो नाइट्रोजन एटम जो कि ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम में प्रेजेंट है, मतलब वो नाइट्रोजन जिसकी पोजीशन 10th है और साइड चेन में प्रेजेंट नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 3 कार्बन एटम का होना चाहिए। अगर ये 3 कार्बन एटम का गैप प्रेजेंट नहीं है, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि अगर इस 3 कार्बन एटम की चेन को छोटा कर दिया जाए या बड़ा कर दिया जाए तो ड्रास्टिकली डिक्रीज हमें एक्टिविटी में देखने को मिलता है।
हम बात करते हैं बीटा पोजीशन पर अगर कोई मिथाइल ब्रांचिंग की जाए तो वहाँ पे वेरिएबल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ड्रग टू ड्रग वेरी करेगा। इन जनरल अगर अपन कहें कि जो लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर डिफरेंट ड्रग्स के पॉसिबल हो सकते हैं, उनमें से कौन सी ड्रग ज़्यादा एक्टिव होगी, तो हमें ध्यान रखना है लिवो आइसोमर्स वाली जो ड्रग्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं इन कंपेरिजन टू दी डेक्स्ट्रो आइसोमर्स। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि जो लिवो आइसोमर्स हैं वो एक प्रिसाइज फिट प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट पार्ट आएगा साइज ऑफ एल्काइल एमिनो ग्रुप। जैसा कि हमने बात की है डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप रिक्वायर्ड है ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। अगर आप कहते हैं कि इस डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप में से एक मिथाइल कम कर दिया जाए, इट मीन्स उसको कन्वर्ट कर दिया जाए मोनोमिथाइल एमिनो ग्रुप में, या फिर दोनों मिथाइल को रिप्लेस कर दिया जाए इथाइल ग्रुप से, इट मीन्स जो डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए डाई इथाइल एमिनो ग्रुप में, तो हमें एक्टिविटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर ये पार्ट मेंशन किया है डाइमिथाइल एमिनो ग्रुप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए, रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कोई भी चेंज अगर किया जाएगा तो वो एक्टिविटी को डिक्रीज ही करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।